हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा था, तो मैंने कहा मैं इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें अपनी राय रखूंगा। तो जैसे आपने टाइटल थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि एक सवाल आता था कि गोवन लोग जो हैं वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो आप कैसे रह रहे हो। या कई लोग ऐसे लोग मुझे मिले जो बाहर से आके गोवा में रह रहे थे, पर उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, हमें मतलब ऐसे ऐसे गोवन लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं आपको आगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस है और क्या सुझाव है। पर पहले हम ये बात देखते हैं कि जैसे लोग ये कहते हैं या लोगों का ये मानना है कि गोवन लोग थोड़े से रूड होते हैं या बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, बाहर के लोगों से हेट करते हैं, तो ये किस हद तक सच है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या ये सच है। तो मैं ये आपको कहूँगा कि हाँ ये सच है, क्योंकि मैं 7-8 महीने से गोवा में रह रहा हूँ, 3 साल से कई बार आ चुका हूँ। गोवन लोग बाहर के लोगों को कई मुद्दों पर नापसंद करते हैं, स्पेशली इंडियंस, या स्पेशली इंडियंस कहूँगा या 100% इंडियंस कहूँगा, ये बात आप ध्यान रखना। उसका बहुत सारे कारण हैं। तो वो क्यों नापसंद करते हैं, इसमें बिना उनका पक्ष जाने या बिना कारण जाने राय बनाना एक अपने आप में बहुत ही अनमेच्योरिटी हो जाएगी। तो मैंने जो महसूस किया कि गोवन लोग बहुत ही मतलब मेरे नज़रिए से देखे तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मस्त रहते हैं अपने आप में, फालतू का एक्साइटमेंट या बिना मतलब के हाहा ही हवाबाजी बड़बोलापन उनमें नहीं होता है, वो अपने काम से काम रखते हैं, लोगों के साथ बड़े तरीके से तहजीब से मिलते हैं या कम मिलते हैं या कम बात करते हैं, पर जितनी भी बात करते हैं तहजीब और तमीज़ से बात करते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें हमने सुना है कि गोवन द्वारा बाहर के लोगों की पिटाई हुई है, बहुत ऐसे केस आते हैं सुनने में रोड रेस के मामले में। तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि गोवा की जो एक छवि है, जो रियल छवि है, वो कुछ और है, और जो लोगों के जो गोवा के बाहर के लोग हैं वो जो गोवा की छवि बनाते हैं वो बिल्कुल अलग है, जिस वजह से ये क्लैशेस होते हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग बाहर के लोगों को नापसंद करते हैं। गोवा की छवि क्या है, आप कुछ मत करना, आप YouTube पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप YouTube के ऊपर गोवा लिखना और उसको सर्च में डालना, आप देखना जिन लोगों ने गोवा के ऊपर, जिन यूट्यूबर्स ने गोवा के ऊपर वीडियो बनाए हैं उन्होंने उनके थंबनेल देखना, ऐसे लगेगा जैसे गोवा में सब कुछ ओपन है, कुछ भी कैसे भी कहीं भी मिल जाएगा, लड़कियाँ, शराब, जुआ, सब ऐसे ऐसे उन्होंने थंबनेल बनाए हुए हैं, भड़काऊ थंबनेल बनाए हुए हैं, फर्जी थंबनेल बनाए हुए हैं जिन्हें देख के आप क्लिक करते हो उनके वीडियोस पे, ठीक है, बेमतलब की झूठी बातें फैला रहे हैं। गोवा में टैक्सेस कम होने की वजह से शराब अदर स्टेट से सस्ती है, ये एक फैक्ट है, तो इससे क्या हो गया कि आप गोवा में कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी बैठ के शराब पी लोगे। मुझे मेरे ही कई दोस्तों ने बोला, अरे यार गोवा में तो फिर भी सब कुछ ओपन है, मतलब ओपन का मतलब कि सड़क पे कहीं भी बैठ के शराब पी सकते हैं। मैं उन्हें बोलता हूँ कि नहीं पी सकते आप गोवा में, गोवा में कहीं पर भी शराब बैठ करके पीने पे भी पुलिस फाइन करती है, आपको मना करती है, आपके लिए बार बने हुए हैं, आपके अपनी जगह है, वहाँ पी सकते हो। हाँ ठीक है, आप पी रहे हो, पुलिस आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है या वहाँ पे नहीं है मौजूद, वो एक अलग मैटर हो सकता है, पर ये लीगल नहीं है कि आप गोवा के बीच के ऊपर बियर पी सकते हो अपनी बीच कहीं पे भी बैठ के। वो आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, पर लीगल नहीं है, पहली बात तो ये। तो वो जो गोवा की जो इमेज बनी हुई है, जिसपे बहुत बड़ा रोल जो है वो बॉलीवुड का है, बॉलीवुड ने गोवा की इमेज बनाई हुई है कि ड्रग माफिया, ड्रग्स, शराब, जुआ, कसिनो, जो भी डॉन होगा पिक्चरों में ज़्यादातर गोवा में रहेगा, क्राइम करके कोई भाग के आ रहा है गोवा में आ रहा है, या गोवा के क्लब, कसिनो, किसी को भी इंजॉय करना है, बीचेस पे कुछ भी सीन दिखाने हैं वो गोवा गोवा गोवा। तो जो लोग मूवीज़ को देख के धारणाएँ बनाते हैं उनकी नज़र में एक छवि बन गई कि बीच मतलब गोवा मतलब बीच, पार्टी ओपन, डिस्को क्लब कुछ भी करो, लड़कियां ओपन मिल रही, शराब ओपन मिल रही, ऐसी वो छवि लेकर के गोवा के लिए सपने देखते हैं। फिर वो गोवा आते हैं, गोवा उतरते ही सबसे पहले, अच्छा अभी ओला उबर आने की वजह से आपको फिर भी बाइक वगैरह दिल्ली या वहाँ पे मिलने लग गई है रेंट पे, पर वो रेंट पे ऐसे सेल्फ ड्राइव के लिए नहीं मिलती है, गोवा वगैरह में वो मिल जाती है, टूरिस्ट प्लेसों में लगभग मिल जाती है। तो
वो यहाँ आते हैं, उन्होंने आते ही गाड़ी हायर करनी है अगर 3-4 लोग हैं, या वो जो अगर एक या दो है तो वो बाइक हायर करते हैं, सबसे पहले बियर वगैरह शराब खरीदते हैं और बियर पीते हुए गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग कराते हैं। मतलब ये मेरे एक फ्रेंड है, उनका ब्रदर ड्राइवर है, वो मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि क्या होता है यहाँ के गोवा के, ना पूरे गोवा के जो रोड है वो बहुत पतले रोड है, इवन सिंगल रोड है ज़्यादातर, तो वहाँ पे आके वो नशे में रैश ड्राइविंग करा चलाते हैं, जैसे अपने बड़े शहरों के हिसाब से चौड़े रोडों पे चलाते हैं, वहाँ पे वो इधर उधर गाड़ी लगा देते हैं, गाड़ी ठोक देते हैं, फिर वो उनकी मारपीट होती है या वो खुद भी मुसीबत में आते, दूसरों को भी। मेरा घर ऑन रोड पे है, मतलब मेरा घर वागाटर और मोरजिम का जो कनेक्टेड रोड है उस पर है। तो अभी कुछ टाइम पहले एक जीप में कुछ यंगस्टर जा रहे थे, उनमें एक फॉरेनर भी था और बाकी सारे इंडियंस थे। यहाँ पीछे ही आप ये देख रहे हो जो पेड़, टेढ़ा पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ के पास उन्होंने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, बाइक खड़ी थी तो चलो भी बाइक गिर गई, किसी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बाइक उठाई अपना स्टैंड पे लगाई, बिल्कुल ये आ गई मेरे घर के मोड़ पे, आगे उन्होंने एक गाड़ी को ठोका, उसके आगे एक एक्टिवा को ठोका, फिर उसको फॉलो करके लोगों ने पकड़ा, ठीक है, वो नशे में धुत था, बिल्कुल नशा। और वो जब लड़के को पकड़ के लाए, यंग लड़का 22-23 साल का, और एकदम ड्रग्स वगैरह उसने ले रखी थी, बिल्कुल एकदम हालत बता रही थी उसकी, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जो छवि बनी हुई है गोवा की, यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा रोल है, वो यूट्यूबर्स ने गोवा को अपने वीडियो बेचने के लिए, अपने वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए वो कुछ भी थंबनेल लगा रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं गोवा में पार्टी। अरे आप पार्टी में आए हो, वहाँ पे और भी लड़के लड़कियाँ हैं, सिंगल भी लोग वहाँ आते हैं, आपके किससे दोस्ती हुई, किससे आपके विचार मिले, किसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठी, आप किसके साथ कहाँ और घूमने जा रहे हो, दूसरी पार्टी में जा रहे हो, ये दो लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन है या प्रोस्टिट्यूशन एकदम ओपन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक ये गलत छवि को लेकर के लोग आते हैं। दूसरा, जो गोवन हेट करते हैं स्पेशली इंडियन से या बाहर के लोगों से, वो यहाँ के गंदगी बहुत फैलाते हैं, बियर लेकर के बीच के किनारे पियेंगे, वहीं पे खाना पीना खा के वहीं सब कुछ फेंक देते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं। मतलब हमने, मेरे कई वीडियोस में आपने देखा होगा, हम लोग इतना इरिटेट होते हैं कि आज गए हैं बहुत साफ़ सुथरा इलाका है, अगले दिन वहाँ पे गए हैं हम टॉनी जेरी को घुमाने लेके जाते हैं, वहाँ देखते हैं बियर की कैन, शराब, बल्कि कल का मैंने वीडियो जो चपूरा फूड का डाला है, वो अच्छा, वो खाना पीना खाते उस वीडियो में भी झाड़ियों के बीच में फेंक देते। आप ओपन सड़क पर फेंक रहे हो ना, तो शायद कोई MCD वर्कर उसको उठा लेगा, यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, पर वो क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैली में खाना पीना खाया, बियर वगैरह पी, उसको बांध दिया गांठ और झाड़ियों के अंदर फेंक दिया, अब वो पता नहीं कब तक वहाँ पड़ी है, जानवर उसको फाड़ रहे हैं, फैला रहे हैं कुत्ते उसको, तो गंदगी फैलाते हैं। दूसरा, यहाँ पे आकर के उन्होंने गोवा को देख के पागल हो गए, तो वो इस तरह की हरकतें, चीप हरकतें करते हैं, और गोवन लोग ऐसे हैं नहीं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड है, मतलब वो अपने आप में मस्त रहते हैं, वो किसी के साथ बेमतलब का कभी पंगा नहीं लेते। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है या जिनके पास पैसा है, लाइफ में फेडअप हो गए हैं या हवाबाजी के लिए कि हमारा गोवा में कुछ है, तो यहाँ इस चक्कर में वो यहाँ पर लैंड खरीद लेते हैं, तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लैंड कॉस्ट बढ़ गई है, तो गोवंस को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि इन लोगों ने ज़मीनें खरीद खरीद के कीमतें बेमतलब बढ़ा दी हैं और कुछ नहीं कर रहे, आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ फ्लॉप चल रही हैं, आधे से ज़्यादा लैंड खाली पड़े हैं। और जो पोर्टुगीज टाइप के, जो जब पुर्तगाल का यहाँ पे कब्जा था, तब के जो लोग थे वो ज़्यादातर अब बाहर के देशों में रहते, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हेरिटेज होम है, जो पोर्टुगीज होम है, वो ज़्यादातर बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये वाली है जिसपे ये ब्लू कलर का ही है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। ये प्रॉपर्टी के 6 बार या 7 बार ओनर चेंज हो चुके हैं, 7ों बार दिल्ली के ओनर है, अभी भी करंट ओनर दिल्ली का है, ये बन ही रहा है, मालूम ही नहीं घर बन रहा है क्या बन रहा है। और ये पट्टे की ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन मतलब जो रोड के किनारे पे, समुंदर और रोड के किनारे के बीच का जो फुटपाथ समझ लो एक तरह का, या ग्रीन बेल्ट समझ लो, उस टाइप की ज़मीन को, चीज़ों को मैनेज करके ख़रीद लिया और वहाँ पर कुछ बना रहे हैं कि, और 7 साल से बन रहा है और पता ही नहीं क्या बन रहा है, बेमतलब कि ऐसे ही। पीछे एक होटल है, ये जो देख रहे हो आप, ये वाला, इसके ठीक पीछे एक ब्लू कलर का होटल है, ये इस जगह पे, वो होटल जो है वो भी ऐसे ही बना दिया है, तो कीमतें बढ़ा दी हैं ज़मीनों की। और जो लेबर बाहर से आ रही है, जो यूपी बिहार के लोग गोवा में आ रहे हैं, वो वेटर का, होटल इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
वो सारी चीज़ जो है उसकी वजह से इनकी जो कैपेबिलिटी है या इनको जो पैसा चाहिए जितना इनके काम का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि कम रेट में लोग काम कर रहे हैं। कर्नाटक से आ रहे हैं, यूपी बिहार के लोग बहुत आ रहे हैं, वास्को में, मडगांव में, इस तरफ बहुत लेबर है जो सारी बाहर के देशों, बाहर के राज्यों से आती है। तो इनको इनका मेहनताना, मतलब जो ये डिज़र्व करते हैं मिनिमम, वो नहीं मिल पा रहा। तो अब यहाँ के लोगों के पास काम क्या बचा है? प्रॉपर्टी डीलिंग, बाइक और कार रेंट पे देना लेना, ट्रैवल से जुड़े हुए बिजनेस, टूरिज्म से जुड़े हुए बिजनेस, या गवर्नमेंट जॉब्स, तो जो थोड़ा बहुत बचा, ये स्कोप है इनके पास। प्राइवेट बिजनेसेस इनके पास नहीं बचे हैं, वो सारे के सारे जो सेठ बोलते हैं ना, बाहर के लोग आ गए और उन्होंने ख़रीद लिया। इवन जो थोड़े से लो क्लास के जो गोवन है, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन जो होती है, वो उन्हीं जगहों पे जॉब कर रहे हैं। तो मेरे को ये खुद, मतलब मैं पर्सनली खुद गोवा में रहता हूँ, मैं अपने आप को गेस्ट मानता हूँ, मैं साल दो साल जो भी रहूँगा मैं गोवा में एज ए गेस्ट रहूँगा, क्योंकि गोवा पे पहला हक गोवंस का है, हर राज्य पे पहला हक उन्हीं के लोगों का होना चाहिए। तो ये एक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की वजह से। अब गोवन को मकान ख़रीदना, वो कहाँ से ख़रीदेंगे? क्योंकि आपने तो कीमतें बढ़ा दी, वो अपने छोटे घर से बड़े घर में जा ही नहीं पा रहे। तो ये कई सारे रीज़न में से ये कुछ रीज़न है। गोवा से ज़्यादा सेफ स्टेट मैंने नहीं देखी। मैंने लगभग 70% इंडिया घूमा है। गोवा वीमेंस के लिए बहुत सेफ है। आज ये जब वीडियो बना रहा हूँ तो 2 दिन पहले एक रेप हुआ है साउथ गोवा में किसी बीच में। तो ऐसा कोई भी 100% तो सेफ कुछ भी नहीं होता। तो इक्के दुक्के केस 2-4 साल में हो जाते हैं, सुबह तक मतलब पुलिस ने सारे एक्यूज अरेस्ट कर लिए। तो वो इक्के दुक्के केस हो जाते हैं, वो भी रात को 3 बजे के आसपास। कुछ लड़के लड़कियां थे बीच पे, तो वो लड़के वहाँ पहुँच गए, अपने आप को पुलिस वाला बता के, आपने वो न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो अच्छी बात यह कि पुलिस का खौफ है, पुलिस ने एक्शन लिया, और इक्के दुक्के केस 2-4 साल में हो जाते हैं। जैसे तेजपाल एक सेलिब्रिटी थे, उनका एक केस था जो अभी वो उनको कुछ टाइम पहले कोर्ट ने बरी कर दिया, मतलब बेगुनाह माना। तो छोटे मोटे क्राइम होते रहते हैं, मोस्टली क्राइम जो है वो बाहर के लोग ही यहाँ करते हैं। जो कुछ यहाँ के अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, पर एक दो इंसिडेंट से आप किसी राज्य को जज नहीं कर सकते, एक दो इंसिडेंट से। और एक्शन पुलिस का बहुत है, पुलिस का डिसिप्लिन बहुत है, पुलिस से लोग डरते भी हैं। तो मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जब भी गोवा के बारे में धारणा बनाओ, मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरे यूट्यूब की वीडियो के नीचे कई बार कमेंट आपने पढ़े होंगे, या कई लोगों के फ़ोन भी आए कि भाई साहब वहाँ पे लड़कियाँ तो ऐसी दोस्ती कर लेती हैं। मतलब सोचो क्या मानसिकता है कि आप गोवा में लड़की शराब जुआ देख के आ रहे हो, कि भले लड़कियाँ ऐसी दोस्ती कर लेती हैं। तो मतलब गोवा में, मतलब मेरे को एक सबसे अच्छी बात गोवंस की ये लगी कि ये लोग लड़कियों को या औरतों को उनके कपड़ों से जज नहीं करते। किसी भी औरत ने, किसी भी लड़की ने कोई भी कपड़ा पहना हुआ है, किसी भी तरह का फैशन किया हुआ है, कोई गोवंस उसको घूर के नहीं देखेगा, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा, उसको ऐसा नहीं कि दूर तक घूर रहा है, कमेंट तो बहुत दूर की बात है, मतलब घूरता तक नहीं है, ठीक है। कुछ मैं जो बीच के किनारे या गोवंस रहते हैं, जैसे मैं भी एक गांव में रहता हूँ जो सामने ही रिवर, चपोरा रिवर मिलती है, तो मेरी अगर इनमें से कोई ये वीडियो देखे या कोई भी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि लोकल जो गोवंस है जो बीच के किनारे रहते हैं, वो भी अपना कई बार कूड़ा पानी में डाल देते हैं। तो मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी है उनको कि ये आपका ही अपना स्रोत है, आपकी इनकम है, आप यहाँ से फिशिंग करते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान दो। तो पर जो मेन जो गंदगी फैलाते हैं वो टूरिस्ट फैलाते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं रोज़ देखता हूँ। रैश ड्राइविंग जो होती है सबसे ज़्यादा, वो बाहर के लोग आके करते हैं। बाहर के लोग यहाँ पे आके हुड़दंगबाजी करते हैं, उनको लगता है गोवा में सब आ गए तो सब कुछ करने का लाइसेंस मिल गया। गोवा वो नहीं है जो आपको पिक्चरों में दिखाया जाता है।
अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने भी गोवा में लड़कियां मिल रही हैं ऐसे ऐसे, मतलब मैं थंबनेल देखता हूँ ना, हम गोवा में रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कैसे कैसे थंबनेल कॉपी की। आपको कुछ मज़ेदार इंसिडेंट बताता हूँ, हमारा इंटरटेनमेंट क्या है, हम कभी कभी बीच पे जाते हैं ना, हम चुपचाप साइड में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कुछ नॉर्थ इंडियन या कुछ बाहर के लोग आए होते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, तो तीन चार लड़के जैसे ग्रुप बना के आए हैं, अब वहाँ फॉरनर्स हैं, बीच पे बैठे हैं, तो बीच पे बैठे हैं तो स्विमिंग सूट स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के बैठेंगे, तो उन्होंने वो चीज़ें पिक्चरों में देखी हैं, तो वो फोटो वो अपने एक दोस्त को बोलेंगे तुम ना मेरी फ़ोटो खींच, और वो धीरे 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 वो चाहेगा कि फ्रेम में वो लड़की आ जाए किसी तरीके से। मतलब इस तरह के तमाशे हम यहाँ पे रोज़ देखते हैं, और जो कुछ इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में कभी जो बाहर के हैं सूट साड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं पहना, वो यहाँ आते हैं, यहाँ पे आई लव गोवा वाली टी शर्ट पहन लेते हैं लड़के, लड़कियाँ वो गोवा वाले कपड़े पहन लेती हैं, और उनको लगता है कि हम अब माइंड सेट कैसे लाओगे, चलो कपड़े तो आपने पहन लिए, आप बन गए गोवन या बन गए आप पोर्टुगीज़ या बन गए आप फॉरनर, पर वो माइंड सेट कहाँ से लाओगे। तो वो माइंड सेट की वजह से होता क्या है कि उस माइंडसेट की वजह से वो लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के निकलते हैं। मतलब यहाँ से ना हम लोग रात को सो रहे हैं, जीप निकलेगी चिल्लाते हुए शोर मचाते हुए निकल रहे, क्यों? क्योंकि हम गोवा में हैं। मतलब मैं कई बार मडगांव साइड से आता हूँ तो एयरपोर्ट भी उसी तरह पड़ता है साउथ में, तो कई लोग जैसे वो चिल्लाते हुए ये इट्स गोवा, ये गोवा है, क्यों चिल्ला रहे, क्योंकि मतलब गोवा देख के पागल हो गए, वो मांडवी रिवर और वो कसिनो वो लाइटिंग देख के वो कि हम तो गोवा में आ गए, अब हम कुछ भी कर सकते। रात को एक एक दो दो बजे लोग चिल्लाते हुए निकलते हैं, और ये जितने भी लोग होते हैं ये सब बाहर के होते हैं, गोवन क्यों चिल्लाएगा आप खुद सोचो। और जो बाहर के होते हैं उसमें से भी ज़्यादा ड्रंक्ड होते हैं, और ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन होते हैं, बल्कि इवन तो मैं तो पूछता हूँ स्पेशली कि आप बताओ मुझे कि आप कहाँ से आए हो, तो वो बताते हैं कि हम यहाँ से हैं वहाँ से हैं। हालांकि मुंबई साइड के और पुणे वगैरह इस साइड से भी महाराष्ट्र साइड से भी काफ़ी आते हैं, पर ये जो हुड़दंग वाली जो धमाल चौकड़ी है ये थोड़ा सा महाराष्ट्र के ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा आती है, ठीक है। और अभी हमने कल चपोरा फूड का जो वीडियो डाला है उसमें एक स्टोन है जो बड़ा रिस्क, मतलब चट्टान है, बड़ी रिस्की है, नीचे गिर सकती है, उसके नीचे कुछ नहीं है, फ़ोटो खींचने के लिए एक लड़का उसके ऊपर गया, मैंने उसको टोका भी कि मैंने कहा ये बहुत रिस्की है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो गया वहाँ पे, नीचे खाई है, ऊपर एक चट्टान निकली हुई है, वो खिसक सकती है, वो नहीं भी खिसकेगी, उसका बैलेंस अगर आउट हुआ तो सीधा वो नीचे जाके खाई में गिरेगा वागाटर बीच के ऊपर। तो और जो फॉरेनर्स हैं वो तमीज़ से पीछे दूर बैठे हुए हैं, आराम से अपना व्यू सनसेट का नज़ारा ले रहे हैं। तो जितने भी लोग अगर मुझे फ़ोन करते हैं या मेरे को कमेंट करते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि गोवा में क्या सब कुछ ओपन है, तो वो मुझसे इस तरह के सवाल ना करें। गोवा बाकी राज्यों की तरह ही है, नहीं बाकी राज्यों से अपग्रेड है, गोवा की सोच बहुत ऊँची है, और गोवा में कुछ भी ओपन नहीं है। गलत फहमी लेके मत आना, पब्लिक से भी पिटोगे, पुलिस से भी पिटोगे, पैसा भी बर्बाद होगा, सारा ट्रिप ख़राब होगा, इसलिए तमीज़ से आना। जैसे आपके लिए वहाँ पे लड़कियाँ हैं, वहाँ पे भी आपके बड़े छोटे शहरों में अगर आप रह रहे हो तो आपके आसपास जो बड़े शहर हैं वहाँ पे क्लब है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे भी आपको लड़कियों से दोस्ती करोगे, लड़की लड़की की दोस्ती है, वो दोस्ती हो गई, आप कहीं भी घूम रहे हो, वही सेम चीज़ गोवा में। ऐसे नहीं कि गोवा में ओपन है कि अच्छा आप आए हो यूपी से आए हो, आप बिहार से आए हो, आप पंजाब से आए हो, चलो चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, तो ये गलत फहमियाँ मत लेके आना, बिना मतलब अपने पैसे भी बर्बाद करोगे और हाथ पैर तुड़वा के और जाओगे, क्योंकि यहाँ की पुलिस अच्छी स्ट्रिक्ट है, और मुझे इस बात का बड़ा सुकून है इस बात का। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, 100% कुछ भी नहीं होता कि इक्का दुक्के क्राइम यहाँ भी हो जाते हैं, ठीक है, पर वीमेंस के लिए सबसे सेफ स्टेट है, रात भर रौनक रहती है, सड़कें सेफ हैं, तो ये चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखना। ये कुछ पॉइंट्स थे और जो मैंने आपके आगे रखे, आप असहमत हो सकते हो, सहमत हो सकते हो, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दे देना, मन करे तो तमीज़ के साथ देना, नहीं तो मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, रिपोर्ट कर दूंगा तो आपकी जो आपको मालूम है कि अगर आप किसी को भी गलत कमेंट करते हो और उसने रिपोर्ट कर दी तो आपकी वो YouTube ID को स्टॉप कर देता है, फिर आप उस ID पे ना तो चैनल बना सकते हो ना उस ID से YouTube पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को भी कमेंट करो, बड़े रिस्पेक्ट के साथ करो, YouTube की गाइडलाइंस आती है ऊपर कमेंट करने से पहले कि रिस्पेक्ट के साथ आप कमेंट करो, और गोवा और गोवंस की रिस्पेक्ट करते हुए एक अच्छी सोच के साथ आओ, गोवा आपका वेलकम करेगा।
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, अभी तक एक सिंगल बैड एक्सपीरियंस नहीं है मेरा गोवा में। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब मेरे जो है मेरी वाइफ मेरे बच्चों को एक सिंगल बैड एक्सपीरियंस नहीं है गोवा, मतलब हमारे को किसी भी तरह की गोवा से कोई शिकायत नहीं है। ओके थैंक यू।